नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी राठौर। आज मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासंघ की अध्यक्ष ज्योति छाजेड़ जी और संस्थापक अध्यक्ष रेखा जैन जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंदौर में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, इसमें 5 से 7 हजार महिलाएं शामिल होने वाली है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछले 23 साल से कर रहे हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और कुछ महिलाओं को हम सम्मानित करते हैं हर वर्ष। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 8-10 हजार महिलाएं उस कार्यक्रम में रहेगी। महिलाएं, पुरुष और अपने पूरे सपरिवार लोग आते हैं बच्चों सहित, क्योंकि यहाँ बहुत शानदार प्रस्तुति हर वर्ष एक नई थीम को लेके होता है। तो इस वर्ष की थीम है मेरी बेटी मेरी शान, उस थीम को लेके हमारा कार्यक्रम है। महिलाओं से लेके बेटियों से लेके सभी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देगी और 6 जो बेटियाँ बाहर से आ रही, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों को स्वीकार कर विपरीत परिस्थितियों पे जिन्होंने जीत हासिल करी, ऐसे 6 बेटियों का हम सम्मान भी करने जा रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, इस प्रोग्राम को लेकर जो रूपरेखाएं बनी हैं, उसमें सिर्फ अपन लिए जाए, अगर ले इंदौर की महिलाएं शामिल होगी या आसपास देश भर से भी महिलाएं शामिल होंगी? इसमें जहाँ तक है, हम लोगों ने पूरे प्रदेश से महिलाओं को बुलाया गया है और साथ में जो ये 6 बेटियाँ हैं, ये देशव्यापी स्तर पर जिन्होंने अपनी चुनौतियों को, अपने जीवन को चुनौतियों से भरपूर होने के बावजूद भी उनको उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की अपराजिता बनकर, तो इस तरह से देश के लिए पूरा कार्यक्रम है ये। मैम, कार्यक्रम कितने सालों से आयोजित कर रहे हैं आप? एक्चुअली ये अखिल भारतीय महिला संघ के तत्वावधान में करीब हर साल एक नई थीम को लेकर कार्यक्रम होता है। जैसे मेरे साथ मेरी संस्थापक अध्यक्ष रेखा जी, उन्होंने बताया हम बेस्ट कपल और बेस्ट सास बहु जोड़ी इस तरह से, और इस बार इस कार्यक्रम की परिकल्पना दिमाग में इस तरह थी कि हमेशा बेटी और माँ का एक रिश्ता बहुत प्यारा होता है और उनके बीच एक सामंजस्य तो होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती, तो हमने बहुत सारे चरणों के साथ उनकी फीलिंग्स को शेयर करके और इस कार्यक्रम का स्वरूप दिया है। आप इसमें कोई सम्मान भी देने जा रहे हैं? हाँ जी, ये हमने पूरे देश से उन 6 बेटियों को बुलाया है जिस पर एसिड अटैक हुआ है और जो दहेज के लिए जला दी गई हैं, जो बोनी है लेकिन बैडमिंटन खेलती हैं और जो रेड लाइट एरिया में काम करती है लेकिन अपने आप को बचाकर एक एनजीओ चलाती है और वहाँ से उन बच्चों को वो बचाती हैं, साथ में एक विकलांग व्यक्ति और एक इंदौर की देशना जैन भी हमारे साथ है जो मूक और बधिर है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रूव करके और उनको बेस्ट स्मार्ट गर्ल का अवार्ड भी मिला है। ये जैसे प्रोग्राम मैम आप हर साल आयोजित करते हैं, इसमें महिलाएं अग्रसर आगे रहकर आगे बढ़कर आती हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरे साल इंतज़ार करती है कि कब इस तरह का बड़ा कार्यक्रम हो और कब हमें इस तरह का मौका मिले कि हम इस प्लेटफॉर्म पर। इसमें 5 से 7 हजार महिलाएं हम हर प्रोग्राम में शामिल हैं? जी जी जी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी, अगर मैम अपन हर साल जैसे ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है महिलाओं को लेकर ही रहता है क्या? बेसिकली महिलाओं को रहता है लेकिन जैसे इस तरह हमने, मान लीजिए अभी जब हमारा फाइनल होगा 3 मार्च को रविवार को, उसमें हमने जब माँ बेटी की जोड़ी है तो हमने एक पिता के नाम पत्र भी उनसे पढ़वाया है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को लेकर ही हम काम करते हैं, है ना। हमने भी जैसे घुटना प्रत्यारोपण किया तो हमने पूरे देश से लोगों को इनवाइट किया और हैदराबाद, बेंगलोर, यूपी से हमारे पास लोग आए, पुरुष वर्ग भी था और जिसमें हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महिलाओं के उस पर ही काम करते हैं, हमारा पूरा एक कहना चाहिए हमारा कार्य क्षेत्र सब तरह से खुला हुआ है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो महिलाओं को अपन सम्मान दे रहे हैं वो देश भर की सभी महिलाएं शामिल हैं उसमें? जी, ये मुंबई, पुणे, बाहर से आ रही, कोई जबलपुर से भी है और उनका जो उनने उनके लाइफ में जो कठिनाई आई और उसके बावजूद भी उनने अपने लाइफ को कैसे जीता है वो स्टोरी हम पब्लिक को बताएंगे, उनकी सारी स्टोरी बता के उनके खुद के जबान से बताएंगे, उनके मुंह से बताएंगे वो कि क्या प्रॉब्लम शेयर करी है और कैसे वो जीती है। इससे दूसरे जो लड़कियां हैं जो छोटी छोटी बात में निराश हो जाती है, कम मार्क्स आए, फेल हो गए और लाइफ को ऐसा सोचती है कि बस ख़त्म,
तो उनको भी एक ये मिलता है इससे कि लाइफ को में कठिनाइयां आने के बावजूद भी लाइफ को कैसे जीता जा सकता है। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही महिलाएं कैसे आगे बढ़े, जो आर्थिक स्थिति में कमजोर कमजोर बनाता है उससे भी कई महिलाएं टूट जाती हैं, ना सिर्फ आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति हम लोग सभी क्षेत्र में हम एक उमंग दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल लगाते हैं, जो महिलाएं उद्यमी महिलाएं छोटे छोटे बिजनेस करती है अपने, भले साड़ी बेचती हो चाहे बड़ी पापड़, हम एक प्लेटफॉर्म देते। पिछले 2011 से ये कर रहे हम, एक मेला लगा के उसमें अच्छे लेवल का मेला लगाते हैं पूरे इंदौर के, 150 स्टॉल उसमें रहते हैं और महिलाएं बिजनेस करती है और अच्छा कमा के दिवाली का उत्सव मनाती है अपने घर में। इस आयोजन के साथ साथ मैम आप आर्थिक तौर पर भी कोई सहायता करते हैं क्या इस तरह की महिलाओं? नहीं आर्थिक नहीं, परंतु हम ऑपरेशंस कराते हैं, जैसे बाल विकलांग के ऑपरेशन हमने इस साल करे, लगभग 200 बच्चे जो चल नहीं सकते थे और मेंढक की तरह उचक के चलते थे या बिना हाथ टेक के बंदर की तरह चलते थे, ऐसे बच्चों के पूरे पैरों के निशुल्क ऑपरेशन कर उनको खड़ा कर दिया, कैलिपर लगा के उनको चलने योग्य बना दिया, ये हम काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते और सबके व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में भी करते, उसमें सभी क्षेत्र में हम काम करते। और इस साल हमने 10,000 पौधों का वृक्षारोपण किया था, सुमित्रा ताई महाजन हमारी उस समय चीफ गेस्ट थी, और BSF का जो परिसर है एयरपोर्ट से लगा हुआ वो पूरा हमने गोद लिया था और एक साथ एक ही दिन में हमारी 1,000 महिलाओं ने खड़े होकर, 1,000 जवान उनके साथ और हाथ में पौधा लेके एक बिगुल के साथ एक साथ वृक्षारोपण करके वो भी एक इतिहास हमने बनाया है। मैम आप बताएंगे मुझे आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं शामिल है? एक्चुअली 5,000 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं और ये रेखा जी के और रेखा जी के तत्वावधान में हमने कहा कि हमने 80 महिलाओं से शुरुआत की, लेकिन इसकी सफलता ने सच में चरम को छुआ और आज हमारे साथ में 70 महिला संघों के साथ 5,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैम आने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा मुझे बता दीजिए। ये कार्यक्रम है हमारा मेरी बेटी मेरी शान, इसका नाम है, हेडिंग है, नाम है, और 3 मार्च को अभय प्रशाल में ये सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और पब्लिक के लिए सुबह का नाश्ता भी वही है, भोजन भी वही है और पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए महा तंबोले का भी आयोजन किया है जो कि फिल्मी गीतों पर आधारित रहेगा, उसमें अनेकों पुरस्कार है और माँ बेटियाँ जो 10 फाइनलिस्ट है वो अपना वहाँ प्रस्तुति देगी, उनका ग्रैंड फिनाले है और 6 बेटियाँ जो बाहर से आ रही उनका सम्मान समारोह भी है। ये देखने लायक प्रोग्राम रहता है और एक संडे को एक परिवार की पिकनिक भी हो सकती, साथ में एंटरटेनमेंट भी होती है और बहुत सारे अनेकों पुरस्कारों की बौछार रहती है, तो सभी जितने भी दर्शक आते हैं वो खुश होके जाते हैं कि हमने आज संडे बहुत अच्छा मनाया और बहुत शानदार प्रोग्राम है। मैं इसको देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि इस महिलाओं के इस कार्यक्रम को भाग लेके इसे देख के इसको सफल करने में हम सबकी मदद भी करें और आप सादर आमंत्रित है सपरिवार। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।